हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे वायग्रा मेडिसिन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये मेडिकेशंस के बेसिक यूज़ के बारे में, जानेंगे उसके डेली डोज के बारे में, सीखेंगे उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, वार्निंग क्या होती है और किस तरह से ये मेडिसिन का आप सही उपयोग कर सकते हैं। तो डिटेल में जानते हैं आज के लेक्चर में और सीखेंगे वायग्रा मेडिसिन के बारे में। तो ये दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, एक 50 mg और दूसरा 100 mg। तो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को सरल भाषा में, वो भी एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड चैनल की जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सपीरियंस, को जरूर से सब्सक्राइब करें और वहाँ पे देखिए अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को, वो भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ, हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन की हुई स्टोरी के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें सेकंड चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझते हैं वायग्रा मेडिसिन के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर क्लास के मेडिकेशन कहते हैं, कि जिसको PDE5 इनहिबिटर कहा जाता है। और ये वायग्रा जो है उसका ब्रांड नेम है, बट सॉल्ट कंपोजिशन की हम बात करते हैं उसके अंदर सिल्डेनाफिल साइट्रेट करके उसके अंदर जो है वो सॉल्ट कंपोजिशन है। मैन्युफैक्चर की बात करें तो फाइजर फार्मास्यूटिकल्स उसके मेन मैन्युफैक्चर है। और ये मेडिकेशन पॉपुलरली जो डिज़ाइन की गई है स्पेशली जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब उसकी कुछ हिस्ट्री की हम बात करें तो ये मेडिकेशन का जो केमिकल नेम है वो है सिल्डेनाफिल है। और कंपनी ने उसका ब्रांड नेम रखा है वायग्रा करके रखा है, कि जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स आती है सिल्डेनाफिल की। फिर हम उसकी हिस्ट्री की बात करें तो ओरिजिनली ये मेडिकेशन को जब बनाया गया था तो वो स्पेशली हाइपरटेंशन, मतलब कि जो हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम होता है उसके इलाज में, फिर जो चेस्ट पेन होता है उसके इलाज के लिए बनाई गई थी। बट आगे जाके ये मेडिकेशन सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हुई इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज में। तो अब समझते हैं उसके बेसिक यूज़ के बारे में। तो ये स्पेशली जो है वो सेक्सुअल स्टिम्युलेशंस को एनहांस करने के लिए यूज़ की जाती है पुरुषों के अंदर। फिर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो प्रॉब्लम होता है, कि जिसको हम शॉर्ट में ईडी कहते हैं, उसके इलाज में, या फिर जो मेल इम्पोटेंसी का जो हम प्रॉब्लम करते हैं पुरुषों के अंदर, जो हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो प्रॉब्लम, तो उसके इलाज में एज वेल एज वो प्रॉब्लम हो तो आप ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप जानते हैं उसके दो अलग अलग वर्जन्स के बारे में। देख 50 mg में ये टैबलेट अवेलेबल और साथ ही साथ 100 mg में भी अवेलेबल है। पर जब भी किसी को प्रॉब्लम है तो खासकर जो 50 mg के जो टैबलेट है उससे जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करते हैं, या फिर जब भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो 50 mg के टैबलेट से ही जो है वो यूज़ की जाती है स्टार्टिंग में। और ज़रूरत पड़ने पर ही 100 mg का डोज जो है वो पेशेंट को जो है दिया जाता है। अब बात कर रहे थे उसके लेबल की, तो लेबल के ऊपर आप देखोगे कि शेड्यूल एच लिखा हुआ है, मतलब कि जब भी आप उसको रिटेल में बेचते हैं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसको नहीं बेचनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है। यहाँ पे आप देखो RX भी है एज वेल एज ये एक रेड लाइन भी आप देख सकते हैं, मतलब कि प्रॉपर मेडिकल काउंसलिंग के बाद ही आपको ये मेडिकेशन लेनी चाहिए। कभी भी इसका सेल्फ मेडिकेशन ना करिए। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है तो ही ये मेडिकेशन यूज़ करनी है, वरना ये मेडिकेशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती। अभी यहाँ पे देखो तो जो 50 mg का स्ट्रेंथ है उसके ऊपर यहाँ पे लिखा है कि हर एक फिल्म कोटिंग टैबलेट्स के अंदर 50 mg जितना मेडिकेशन जो है अवेलेबल, जबकि यहाँ पे 100 mg जितना मेडिकेशन अवेलेबल होता है। साथ ही उसके अंदर जो दूसरे एक्सीपिएंट्स होते हैं कलर ऐड किए हुए होते हैं, कि जैसे टिटेनियम डाइऑक्साइड उसके अंदर है, इंडिगो कार्मिन, एल्यूमिनियम की जो उसको कलर प्रोवाइड करता है, कि जो टैबलेट्स की जो आप कलर देखते हैं ब्लू कलर की जो टैबलेट्स आती है वो स्पेशली ये जो इंडिगो कार्मिन एल्यूमिनियम लेक करके जो कलर है उसके कारण जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। स्टोरेज की बात करें
तो जब भी ये मेडिकेशंस को स्टोर की जाती है तो बिलो 30 डिग्री सेल्सियस जो उनको स्टोर किया जाता है, मॉइस्चर से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और सिर्फ ये मेडिकेशन ओरल यूज़ के लिए ही है। तो प्रॉपर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के गाइडेंस के अकॉर्डिंग हो ये मेडिकेशन को लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि जो 50 मिलीग्राम के जो टैबलेट्स आती है इस तरह से होती है कि ये जो आप देख रहे हैं कि वो 50 मिलीग्राम की है, कि जो साइज़ में जो 100 मिलीग्राम है उससे कम्प्लीटली आप देखो तो हाफ साइज़ में जो आप उसको देख सकते हैं। फिर अब आप बात करते हैं उसके डोज की, हम बात करें तो मिनिमम 50 मिलीग्राम डोज जो वो पेशेंट लेता है बिफोर वन आवर ऑफ इंटरकोर्स। तो इंटरकोर्स के एक घंटे पहले मिनिमम डोज आप ले सकते हैं 50 मिलीग्राम का, या फिर अगर किसी को कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा है तो वो 100 मिलीग्राम ले सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन बन जाते हैं कि अगर माइनर कंडीशन है, माइनर प्रॉब्लम है, तो आप 50 मिलीग्राम वाली टैबलेट भी खा सकते हैं, और प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आप 100 मिलीग्राम वाले टैबलेट भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, बट प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही उसको यूज़ करें, बिकॉज जरूरी है कि पहले आपका निदान कराना जरूरी है, डायग्नोसिस कराना जरूरी है, डायग्नोसिस के बाद ही आपकी कंडीशन कितनी ख़राब है उसके बेसिस पे आप जो है वो डोज आप ले सकते हैं कि 50 mg लेना है या फिर 100 मिलीग्राम। अब आगे बात करते हैं उसके वर्किंग की कि किस तरह से ये मेडिकेशन काम करते। तो ये मेडिकेशन जैसे हमने सीखा कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज में यूज़ की जाती है, कि जिसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसके कारण जो इरेक्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं, साथों साथ जो आर्टरीज होती है उनको रिलैक्स करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से पहुँच सकता है पेनिस के रीजन में, और जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है। अब ये मेडिकेशंस के कुछ हम साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो ये मेडिकेशंस लेने के बाद डिजीनेस जैसा कुछ लोग फील करते हैं, या फिर सिर दर्द जैसा जो है वो फील करते हैं। दूसरा कि कुछ लोगों को स्टमक पेन, मतलब कि पेट में दर्द होने लगता है, और स्टमक अपसेट मतलब कि गैस्ट्रिक डिसकम्फर्ट जैसा कंडीशन फील करते हैं, कि नौजिया वॉमिटिंग जैसा फील करे, या फिर डायरिया जैसा मतलब कि दस्त जैसी कंडीशन फील करे। कुछ लोगों को मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, बैक पेन होता है, फिर अगर किसी को विज़न रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उनको प्रॉब्लम होते हैं कलर आइडेंटिफिकेशन में, जैसे कि अगर आपको ग्रीन कलर और ब्लू कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो आप वो नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको दिक्कत आएगी। फिर लॉस ऑफ हियरिंग, अगर कुछ लोगों को जो वो सुनाई देना बंद हो जाए, ऐसी भी साइड इफ़ेक्ट डेवलप होती है सिल्डेनाफिल के कारण, और रिंगिंग इन द ईयर के कान में जैसे कोई घंटी बज रही है ऐसा आप फील करते हैं कुछ लोगों के अंदर। फिर रेडनेस हो जाती है आपके फेस के ऊपर, या फिर आपके गर्दन के भाग में, या फिर स्टिफ नोज मतलब कि नाक जैसे जकड़ गई है आपको ऐसा फील होगा, या फिर नाक में से जो है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो गई जिसको नोज ब्लीड कहते हैं। तो ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं उसके वार्निंग्स की, तो किन लोगों को ये मेडिकेशन नहीं खानी है। तो सबसे पहले अगर आपको पिगमेंटरी रेटिनोपैथी है कि जो आपकी जो रेटिना है वो अच्छे से मतलब कि काम नहीं कर रही है, आपको विजन रिलेटेड ऑलरेडी प्रॉब्लम है और रेटिनोपैथी का प्रॉब्लम है, तो आप ये मेडिकेशन ना खाएं। फिर ल्यूकेमिया के आप पेशेंट है तो भी ये मेडिकेशन को नहीं लेनी है। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट है, हियरिंग लॉस या फिर आपको कम सुनाई देता है तो भी ये मेडिकेशन ना खाए। हार्ट के पेशेंट है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई रहता है, तो ऐसे लोगों को भी ये मेडिकेशन नहीं लेनी है। फिर बात करते हैं उसके परमानेंट कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो लीवर प्रॉब्लम, अगर आपका लीवर डैमेज है या फिर लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आप वायग्रा मेडिसिन को यूज़ ना करें। ब्लड प्रेशर आपका कम रहता है कि हमेशा आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। आपकी रीनल इम्पेयरमेंट की बीमारी है मतलब कि आपके किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही, या फिर आप हार्ट के पेशेंट हैं, जो पेनिस जो होता है वो बेंट रहता है इरेक्शन की कंडीशन में, इस टाइप की कंडीशन है आपकी, तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। आपके हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर रहते हैं तो भी वायग्रा को ना खाएं। और अगर आप स्ट्रोक के पेशेंट हैं तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं करनी है।
तो जरूर से सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सलेंट, के वहाँ पे आप देख पाएंगे अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल, मेडिसिन कोर्स आपको मिल जाएगा फार्मारॉक्स के ऐप पर, सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, डोज साइड इफेक्ट वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में, वो भी फार्मारॉक्स की ऐप पर। तो अभी डाउनलोड करें आप फार्मारॉक्स, एक्सेस करें हमारा कोर्स, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।